पाँच घंटा इंजन को गर्म रखेगा, इसीलिए वाल्व उपयोग किया जाता है। एक चीज़ और है, अगर ये वाल्व नहीं रहे तो क्या होगा, इंजन का जो टेम्परेचर, जैसे कि आपको तेल जलाने के लिए जितना इंजन को गर्म होना चाहिए, अब अगर कोई मान लीजिए कोई कड़ाही है या तावा है उस पर अगर तेल डालते हैं गर्म ही ना रहे तो तेल आपका जलेगा ही नहीं, और वही तावा या कड़ाही कुछ ऐसा टेम्परेचर में गर्म हो जाए जहाँ पे वो देखिएगा तेल जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या, इसलिए क्या करना पड़ता है, जब भी कोई जैसे कि मान लीजिए कोई होटल वाला कोई रोल बनाता है तो उसको जो तावा है, तावा का टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है उनको, ठीक है, तभी उसमें तेल जल के रोल बन पाएगा, तावा ठंडा होगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह ये भी है, इसमें अगर तेल डाल के तेल को सही तरह से जलाना है और इंजन को पावर सही रखना है तो इंजन को टेम्परेचर यानी कि गर्म सही पोजिशन में रखना होगा। ये अब तो उसी को मेंटेन करता है, इंजन को गर्म एक लेवल पर रखता है, यानी कि 95 के नीचे नहीं आने देता है, ठीक है, उसके ऊपर जाने से तो पंखा चल जाता है, पता है आपको। और ये सब गाड़ी में तो इसमें भी वही पंखा है जो गर्म होने के बाद स्पीड होता है। अब एक काम कैसे करता है दिखाते हैं आपको, काम कैसे करता है दिखाते हैं। एक भाल जब तक काम नहीं करता है यानी कि 95 डिग्री गर्म नहीं होता है, ठीक है, तब तक एक पूरा पोजीशन लॉक रहता है, जैसे कि लॉक है, तो इसमें क्या होगा, इंजन का पानी रेडिएटर में नहीं आएगा, ठीक है, इसको लॉक करके रखता है क्योंकि यहाँ पे वाटर एल्बो लगा हुआ है, तो इसके अंदर से पानी रेडिएटर में नहीं जाएगा, ठीक है, और यही जब गर्म हो जाएगा तो फिर पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो कैसे होता है, जैसे कि जब इंजन स्टार्ट रहता है गर्म नहीं होता है तो इस जगह से पानी निकलता है रेडिएटर का, यह इनलेट होल्स, यहाँ से पानी इंजन में रुकता है और उसके बाद यहाँ पे आता है, आ करके यहाँ पे आकर यहाँ से नीचे जाकर फिर इंजन में चला जाता है, इंजन में चला जाता है, फिर ये होश आ देगा, इस होश से आते हुए वही पानी घूर के फिर से इसमें आता है और फिर से वाटर पम्प होते हुए फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से इसके अंदर जा कर के फिर इसमें आता है, ठीक है, अगर के फिर ये इंजन में चला जाता है, ये डायरेक्ट यहाँ से इसका कनेक्शन इंजन में है, इसका कनेक्शन इंजन में है, ठीक है, फिर इंजन में पूरा घूरते हुए लाइनर सिलेंडर के बगल से घूरते हुए फिर यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर इसमें आता है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेसिंग इसी तरह प्रक्रिया चलता रहता है जब तक ये 95 डिग्री गर्म नहीं हो जाता है। जैसे 95 डिग्री गर्म हो जाता है तो ये चीज़ लॉक हो जाता है। अभी कैसे लॉक होता है देखिए, ये फिलहाल अभी जब फिटिंग करेंगे ना तो यहाँ पे गैप रखेगा, ये सटेगा नहीं उसमें जाके, ठीक है, गैप है वहाँ पे, गैप है, आपको पानी इधर नहीं जाएगा उधर चला जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं जाएगा उधर नीचे की तरफ भी चला जाएगा पानी, जैसे 95 डिग्री गर्म होगा तो ये आपको इस तरह से अंदर चला जाता है, देखिए अंदर चला गया, ठीक है, अब क्या होगा, पानी रेडिएटर में आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ठंडा होगा फिर इंजन में चला जाएगा, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये इससे लॉक हो जाएगा, हालांकि ठीक से काम नहीं करेगा क्योंकि जाम हो चुका है, तो फिर से लॉक कर देगा, 95 डिग्री के नीचे गर्म आ जाएगा, तो फिर जैसे 95 डिग्री गर्म होगा तो फिर ये इस तरह से बैठ जाएगा, हालांकि ये बैठा दिए तो ऊपर आ नहीं रहा है, जाम है खराब, इसको चेंज करेंगे हम। तो इसी तरह से काम होता है इस वाल्व का और इंजन चलता है, मेनली इसका काम वही होता है कि इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रखना, 95 डिग्री गर्म रखना, कहीं ठंडा इलाके में चले जाए तो इंजन पूरा ठंडा हो जाएगा तो फिर गाड़ी आपको स्टार्ट ही नहीं होगा, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम पड़ सकते हैं, इसलिए इंजन का जो पानी है उसको सही जगह पर रखना, गर्म रखना, ये भी इनका काम होता है, ठीक है दोस्त। तो समझ गए होंगे, इसका मेन काम है इंजन को, इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रखना, वो भी 95 डिग्री तक गर्म को रखना, ठीक है, ये मेन काम है। ये गर्म होने, ये ख़राब होने पे आपका इंजन गर्म हो जाएगा या गर्म होगा ही नहीं, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम है कि अगर बैठ जाए नीचे जा कर अगर फंस के बैठ जाए, जैसे कि इस तरह जाके अगर मान लीजिए इसे जाके अगर बैठ गया, ये रिटर्न नहीं आ रहा है, जैसे कि रिटर्न नहीं आ रहा देख रहे हैं आप, तो फिर आपका इंजन गर्म ही नहीं हो पाएगा, इसमें क्या होगा, गाड़ी का तेल खाएगा और इसमें जो धुआं निकलेगा उस धुआं में भी आपको डीजल का गंध आएगा और गाड़ी का पिकअप भी ठीक नहीं होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम आपके पास आए, आप कुछ समझ में नहीं आए तो इसको जरूर चेक कीजिएगा आप, ठीक है दोस्त, रखते हैं, बाय।
वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिए। मेरा चैनल पासवान ऑटोमोबाइल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय दोस्त, जिंदगी में कुछ भी हो जाए हंसते जरूर रहिए, मुसीबत का सवाल हल है।